कैफोर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है टेस्ट वन। डिस्कशन हमने कल स्टार्ट की थी लेकिन कंप्लीट नहीं कर सके थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। और फिर इसके बाद लेक्चर 23 की असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे हम आज के लेक्चर में। और ये जहन में रखिएगा, कंसेप्ट वैसे तो आज का कोई एडिशनल कंसेप्ट हमने कवर नहीं करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज के लेक्चर में आप कोई नई चीज़ नहीं सीखेंगे, क्योंकि जो हमारी केस स्टडीज़ है ना, वो हमारे लेक्चर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। समटाइम तो ऐसा होगा जैसे आज है कि पूरे का पूरा लेक्चर ही हमारा केस स्टडी के ऊपर बेस कर रहा होगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आज के दिन में कोई नई चीज़ नहीं सीखेंगे। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो डिटेल में डिस्कस ही तब होते हैं जब केस स्टडी सामने आ जाए, उसके फैक्ट्स को डिस्कस करना होना, तो वो ज़्यादा बेहतर बचाइए कि ज़बानी कलामी हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो। और ख़ास तौर पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कौन सा लफ्ज़ आएगा, इसका क्या मतलब है, और आपने इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, एग्जाम में क्या कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, परफॉर्म कैसे करना है, ये सारी डिस्कशन ही तब होगी जब एग्जाम क्वेश्चन हमारे सामने होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि जिस दिन अगर कोई डिस्कशन होनी है केस स्टडीज की या क्वेश्चंस की, उस दिन कौन सा कोई नया कंसेप्ट डिस्कस होना है, वो हम छुट्टी कर लेते हैं या उसको अटेंड नहीं करते। तो याद रखें, उसमें भी कुछ कंसेप्ट आपके डिटेल में टेस्ट हो रहे होते हैं, हम डिस्कस कर रहे होते हैं, प्लस जो एग्जाम रिलेटेड टिप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में डिस्कस होंगी जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर होगा। तो अगर आप इस तरह की डिस्कशंस को मिस करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो याद रखें इससे आपकी परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज ज़रूर होगी। तो अगर कभी डिस्कशन हो तो उसको इग्नोर ना किया करें। स्टार्ट करते हैं। कल हमने टेस्ट वन डिस्कस करना स्टार्ट किया था, इसमें हमने क्वेश्चन वन कंप्लीट कर लिया था, और क्वेश्चन वन के बाद हम क्वेश्चन टू पे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। कह रहा है ए, इसी तरह क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन वन के डिफरेंट पार्ट है, क्वेश्चन टू के भी डिफरेंट पार्ट्स है। पार्ट ए में क्या कह रहा है, एक्स एग्रीड टू सेल हिज प्रॉपर्टी वर्थ अबाउट रुपीज 1 मिलियन फॉर रुपीज 10,000 ओनली। एक लाख की प्रॉपर्टी है, सिर्फ 10,000 में उसने सेल कर। यहां तक अगर क्वेश्चन खत्म हो जाता तो इसका मतलब क्या था, ये वैलिड है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। एक्स मदर प्रूव डेट एक्स वॉज इडियट इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, इज दिस सेल वैलिड। अब क्या ये सेल वैलिड है, नहीं, ये सेल अब वैलिड नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट विद इडियट इज वाइड अनसाउंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, एग्रीमेंट वाइड है। अच्छा बताइए, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जो पार्टी, क्योंकि इडियट है ये नॉर्मली भी इसी कंडीशन में रहता है, इसलिए लॉ अज्यूम करेगा कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड था। ठीक है, इडियट की एग्जाम्पल याद है ना आपको, हमने पढ़ी हुआ परमानेंटली जो पागल हो, बिल्कुल बाय बर्थ, बिल्कुल। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर होगा जो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना चाह रहा है। बी, एक्स ओज वाई रुपीज 10,000 बट दिस डेट इज टाइम बार्ड। 3 साल के बाद आपको पता है डेट टाइम बार्ड हो जाता है। इन ए बर्थडे पार्टी ऑफ जी हु इज ए फ्रेंड ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्रोमिसेज वाई टू पे दिस डेट। एक बर्थडे पार्टी पे एक्स ने वाई को वादा किया कि वो इस डेट को पे कर देगा। आपके यहां बर्थडे पार्टी पे सारे वो लिखत पढ़त हुई होगी या ज़बानी कलामी डिस्कशन हुई होगी। कह रहा है एक्स लेटर एक्स रिफ्यूजेस टू वाई, बाद में एक्स ने वाई से कहा कि वो ये टाइम बार डेट पे नहीं करेगा। कैन वाई रिकवर द प्रॉमिस्ड अमाउंट फ्रॉम एक्स, रिकवर नहीं, क्यों नहीं रिकवर करवा सकता, ठीक है, टाइम बार डेट की इन्फोर्सबिलिटी के लिए जरूरी है रिटर्न हो साइड, ठीक है। तो ये चूंकि रिटर्न नहीं है, साइड नहीं है, इसलिए इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, बर्थडे पार्टी, इस पे क्या कोई एग्रीमेंट हो सकता है वैसे, बर्थडे पार्टी पे किसे हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन क्या किसी बर्थडे पार्टी पे गुड्स को डिलीवर कर दिया जाए, क्या वो वैलिड परफॉर्मेंस होगी, कमर्शियल गुड्स को, कमर्शियल गुड्स को वो एक रीजनेबल प्लेस नहीं समझी जाती, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करता है, अगर बर्थडे की पार्टी की डेकोरेशन की चीजें हों तो जाहिर है उसके लिए वो रीजनेबल प्लेस है, वरना नहीं। बारह बर्थडे से वैसे मेरे जहन में कंसेप्ट आया रीजनेबल प्लेस का, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सी, X offers to sell a painting to Y, which X knows is the copy of a well-known masterpiece. Copy है, X को पता है, उसने offer की Y को कि मैं इसको sell कर। Y thinking that the painting is the original one. Y ने ये समझते हुए कि ये original copy है, decides to buy it at a very high price. अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे रुक के, Y ने जो ये समझा कि ये original one है, उसकी अपनी थॉट थी कि उसे एक्स ने बताया था, उसकी अपनी थॉट थी ना,
क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस वैलिड है, ठीक है। लेट द बायर बी अवेयर, सेलर के लिए अपनी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना लाजमी नहीं होता। हाँ, अगर इस केस में थोड़ा सा चेंज करके वो ये कहता, एक्स ने वाई को ये बताया है कि ये ओरिजिनल है, फिर ये फ्रॉड होता, फिर ये फ्रॉड, उस सूरत में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना होता, वाइडेबल होता एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। सी क्लियर? इसमें कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो? जी, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड उस वक्त आएंगे दोनों जब एक्स कोई स्टेटमेंट देगा। एक्स ने स्टेटमेंट दी ही नहीं, क्या एक्स ने ये कहा कि ये ओरिजिनल है? वो पॉइंट तो बाद में आएगा ना कि उसने अनजाने में स्टेटमेंट दी कि जानबूझ के स्टेटमेंट दी, ये बाद का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यह कि क्या स्टेटमेंट दी एक्स ने, कोई स्टेटमेंट वाई ने खुद से ये अज्यूम किया, खुद से समझा। तो जी एक मिनट है, सी में कोई इशू है तो जी बिल्कुल, वह दो तीन शायद उसमें बाजू का मैंने बताया था ना, एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट भी रेलिवेंट हो सकती है, ठीक है। तो उसमें जो आपके कुछ स्टूडेंट के ख्याल में ये वो एरनेस ओपिनियन, इसको यूनिलैटरल मिस्टेक के मुताबिक भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक इसलिए हमने वो भी लिख दिया, अगर आप किसी चीज को समझ रहे होते हैं हाई वैल्यू है, बाद में वो लो वैल्यू साबित होती है, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं इस बेस पे? नहीं कर सकते, इसलिए उसने एरनेस वैल्यूएशन वाला पॉइंट। जी बिल्कुल जी, अच्छा सी क्लियर है जी। अब पूछिए दोबारा, ए में कुछ पूछना चाह रहे हैं आप जी, पूछिए। क्या इसमें हम ये लिख सकते हैं कि अगर मदर प्रूव कर दे कि एक्स एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है? बात आपकी ठीक है, बात गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये कॉन्ट्रैक्ट मदर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाना चाह रहे, मदर तो उसको कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। तो आप इन्फोर्स वाला पॉइंट लिखेंगे तो वो इस केस से रेलिवेंट नहीं होगा। कंसेप्ट आपका ठीक है कि अगर मदर इन्फोर्स करवाना चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उन्हें प्रूव करना होगा, क्योंकि लॉ ने ये नहीं कहा कि पागल साबित करेगा कि मैं उस वक्त पागल था कि नहीं था। लॉ ने वर्डिंग देखे क्या लिखी कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना चाहती है वो साबित करेगी। वो पार्टी कोई भी हो सकती है, वो बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। यहां तक कोई इशू? नेक्स्ट डी, एक्स प्रॉमिस टू पे वाई रुपीज 1 मिलियन इफ वाई सिक्योर्स हिम एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस, इज दिस एग्रीमेंट वैलिड? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी है? सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, एग्रीमेंट टू सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस इज वाइड अनलॉफुल, ठीक है। इसे हमने किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया था? एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बिल्कुल। तो आप ये भी लिख सकते हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर वाइड, या ये भी लिख सकते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस इज वाइड अनलॉफुल। इफ, अच्छा इसके बाद डिसीजन हमारा क्या हुआ कि ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट टू सिक्योर पब्लिक ऑफिस है, जो हमने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में बता दिया कि वाइड होता है। क्लियर? जी जी, नहीं क्या मतलब? नो एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इज द सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हाँ तो ठीक लिखा है। देखिए जो आपकी मार्किंग स्कीम का, मैं इस वक्त जो टीचर होता है ना, टीचर वो टेस्ट को चेक नहीं करता, ये जहन में रखिएगा। हमारा काम क्या होता है? टेस्ट को बनाना, उसका सलूशन बनाना और मार्किंग स्कीम डिसाइड करना, उसके बाद उसको जो एग्जीक्यूट करना होता है ना, यानी उस मार्किंग स्कीम के मुताबिक टेस्ट को चेक करना, ये किसका काम होता है भला? टीए का काम होता है, ठीक है। टीए सुपरविजन में काम कर रहा होता है, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, मैं अभी, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ हो, अच्छी सर्विस हो बुरी सर्विस हो, क्लाइंट को पता होना चाहिए सर्विस की नेचर क्या है, बजाय ये कि हम कहें कि बहुत अच्छी सर्विस है असल में कुछ हो। टीए टीचर नहीं होता, इवन टीचर भी जो है ना वो पेपर चेकर आई कैप का नहीं होता। इसीलिए आपकी ये एक्सपेक्टेशन के सेम क्वालिटी के मुताबिक चेकिंग हो जैसे कि आई कैप के एग्जाम में होती है, वो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। खासतौर पे टीएस वो सही कर रहे होते हैं काम, ये नहीं कि वो केयरलेस या जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं, सही कर रहे होते हैं काम, लेकिन असल में चूंकि उनका इतना एक्सपोजर नहीं है जितना टीचर का होता है, तो जब तक स्टूडेंट सॉल्यूशन के मुताबिक चल रहा होता है ना, जो बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है, वो चेकिंग सही हो रही होती है। जिन स्टूडेंट का आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, वहाँ पर फिर वो जजमेंट अप्लाई करते हैं, और चूंकि टीचर का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उसे ज़्यादा पता है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, टीए को नहीं पता होता, वो अपनी जजमेंट अप्लाई करता है। अगर उसे समझ आ जाए कि हाँ जी ये जो अल्टरनेट सॉल्यूशन दिया ये भी ठीक है, उसको ओके कर देता है। लेकिन अगर उसे ना पता हो, ठीक है, वो उसको गलत कर देता है, क्रॉस कर देता है।
हालांकि कुछ केसेस में मे भी जो सुवर्ण ने लिखा है वो भी ठीक हो, ठीक है। कुछ केसेस हमारे सामने हमने चेक किया, मैं उसकी बेस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सिर्फ ये नहीं कि किसी एक टीए के साथ है, ये तकरीबन हमारे पूरे प्रोफेशन में इसी तरह है, हर कॉलेज में इसी तरह, ठीक। तो इस सूरत में होता क्या फिर, अगर आपको आपको ऐसे सोल्यूशन दिया जाता है, आप उसके साथ कंपेयर करें, अगर आप समझते हैं कि आपका आंसर ठीक है, आपने स्टेप नंबर वन में टीए के पास जाना और उनसे कहना कि सर ये देखिए मेरे ख्याल में ये ठीक है, सर ने क्लास में ये बताया था, अब जाहिर टीए क्लास में मौजूद नहीं है, उसे तो नहीं पता मैंने आपको क्या क्या एग्जाम्पल दिया, सर ने ये बताया था, आप काइंडली सर के साथ कंफर्म कर लें, अगर उसे बात समझ में आ जाए ठीक है, आपको मुतमिन कर दे ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता आपको, फिर आप उसके बाद हमारे पास आए टीचर के पास, लेकिन वो भी क्लास में नहीं, क्योंकि क्लास का टाइम जो होता है ना उसके ऊपर सारे स्टूडेंट्स का राइट है, ठीक है। उसमें किसी हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल इशू को डिस्कस करेंगे ना तो बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होगा। तो हमारी कोशिश ये होती है आपका इशू जेन्युइन है, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आपका इशू जेन्युइन नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह का इशू और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी, कि अगर हो मार्किंग में कोई भी इशू हो किसी किस्म का भी, आपने डिस्कस करना हो, आप क्लास के बाद टीए के पास आएँ, वो मौजूद होते हैं इंशाल्लाह, आपको मुतमिन करेंगे। अगर आप मुतमिन नहीं होते तो फिर उसके बाद क्लास के बाद मैं भी अवेलेबल होता हूँ, तकरीबन इस क्लास के बाद मैं आधा पौना घंटा बैठता हूँ, नमाज की ब्रेक होती है उसके बाद तकरीबन एक डेढ़ घंटा बैठता हूँ। तो आपको कोई भी इशू हो टेस्टिंग के हवाले से या इवन कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हो आप आके पूछ सकते हो, लेकिन पहले आपने टीए के पास जाना है, उससे मुतमिन अगर नहीं होते फिर सेकेंड लेवल पर आप टीचर के पास आए कंसल्ट करें, ठीक है जी। चलिए अब वापस आते हैं, कहाँ पे थे हम, हाँ ये एग्रीमेंट वाले आपने जो बताया बहरहाल वो ठीक लिखा है, मेरे ख्याल में ये ठीक है, इसके पूरे मार्क्स मिलने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन अब जाहिर है पेपर सामने होगा, फिर ही मैं भी बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि उसने किस वजह से नंबर काटे होंगे। हमने वैसे उनको एडवाइस ये किया हुआ है कि आप भी इंसिस्ट किया करें, देखिए सम टाइम ऐसा होता है टीचर हूँ ना मैं, सम टाइम ऐसा होता है कि हम भी ना, हम देखिए काम करना ना किसी को भी पसंद नहीं होता, हर बंदा यही चाहता है, मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं हमारे साथ कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन बताने में कोई हर्ज भी नहीं, जाहिर है इसी तरह आपका काम करने को दिल नहीं करता, आप चाहते हैं कि बगैर पढ़े पास हो जाए, उसी तरह हमारा भी बाजू का पढ़ाने को दिल नहीं करता, हम कहते हैं पढ़ाई बगैर ही तनख्वाह मिल जाए तो अच्छा। हमें जो टीचर बना, मैं जो टीचर मतलब बना, अगर कुछ लोग मुझे मतलब गुड बुक्स में अपनी कंसिडर करते हैं, तो मैं अपनी मेहनत से, मैंने खुद मेहनत नहीं की, स्टूडेंट से मेरे से मेहनत करवाई है, ठीक है। जैसे मैंने मेरे जहन में कोई आइडिया आया, मैंने आपके साथ शेयर किया, अब आप तकरीबन डेढ़ दो हफ्ते से कलप रहे हैं, सर माइंड मैप पेंडिंग है, माइंड मैप बना दें माइंड, तो मैंने असल में आपको इसीलिए इसकी आदत कि आप इंसिस्ट करेंगे बार बार तो मुझे ख्याल आएगा नहीं यार ये काम करना है, ये काम करना है, वरना वैसे ही मेरी ड्यूटीज़ में शामिल नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा सर्विस है ना, लेकिन इसीलिए अब आप जितना मुझे कहेंगे मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए मजबूरन मुझे काम करना पड़ेगा, वरना आप कहेंगे यार सर देखें सर ने एक बात कमिट की थी वो नहीं, वरना मैं अगर कमिट ना भी करता पहले इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ना तो आपने फीस ज्यादा देनी थी ना कम देनी थी, आपको पता भी ना चलता कि कोई इस तरह की सर्विस होती है, या जैसे ब्रेनस्केप है इस तरह की सर्विस पता भी ना चलता। मैंने क्यों शेयर किया, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि मैं शायद मसरूफियत से काम ना कर सकूं, लेकिन जब स्टूडेंट बार बार मुझे कहेगा ना तो मुझे करना पड़ेगा। उसी तरह हमने टीए को इंस्ट्रक्ट किया होता है, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप भी उनको मजबूर करें कि सर ये चीज जो है ना सर ने आपको बताई होगी ना, तो आप जरा इसके ऊपर अमल करें। ये मैं अपने सिर्फ टीए की बात कर रहा हूं, बाकी टीए की नहीं, बाकी टीचर्स की नहीं, कि आइडियली अगर आपने स्टूडेंट का एक नंबर भी काटा है ना, स्टूडेंट को पता चलना चाहिए रीजन क्यों काटा है। स्टूडेंट को इस चीज से गर्ज नहीं है मैं पास हुआ कि फेल हुआ, स्टूडेंट को इस चीज से गर्ज भी नहीं होती मेरे कितने मार्क्स आए, स्टूडेंट को इस चीज से गर्ज होती है क्या मेरी परफॉर्मेंस ठीक है, क्या मैं आईकैप का क्वेश्चन पढ़ के उसको सही अटेम्प्ट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तो अगर किसी के आपने जीरो मार्क्स दे दिए लेकिन उसे रीजन ना बताई क्यों जीरो मार्क्स है, कोई फायदा नहीं। इवन किसी ने अगर 100 मार्क्स भी ले लिए लेकिन उसको जहां पे डिडक्शन फॉर एग्जांपल होनी चाहिए थी नहीं की, उसको भी कोई फायदा नहीं। फायदा कब होता है, हमेशा जो भी हमने काम किया कोई सीनियर हमारा देखे उस काम में गलती निकाले और हमें पता हो गलती क्या है और सजेस्ट करे कि इसकी इंप्रूवमेंट क्या है। तो हमने टीएस को कहा हुआ है कि आप जब आधा नंबर काटे एक जितने भी मार्क्स डिडक्ट करें हाईलाइट कर दें, ठीक है। लिख दें तो बेहतर है, लेकिन चूंकि इतने ज्यादा टेस्ट होते हैं कि लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो कम अज कम मैंने उन्हें कहा हुआ है आपने सर्कल कर देना उसको या क्रॉस कर दें और एक आधा लफा सिर्फ लिख दे, जिससे बाद में जब स्टूडेंट आपसे पूछने आए ना तो आपको पता हो कि किस वजह से मार्क डिडक्ट किया था। स्टूडेंट को अव्वल तो देख के पता चल जाएगा सर ने ये सोल्यूशन भी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, ये सर्कल हुआ इस वजह से नंबर कटा है। अगर नहीं पता चलता स्टूडेंट आता है और आपका राइट है ये, आप टीए के पास जाए उससे पूछे सर ये मार्क्स डिडक्ट किया मुझे बताया किस वजह से किया, लड़ना नहीं है जाके, लड़ना नहीं है जाके, लेकिन उससे इंप्रूवमेंट इसी चीज से आएगी। इंप्रूवमेंट उस चीज से नहीं आएगी जो आपने अच्छी की है, ठीक ही है, इंप्रूवमेंट हमेशा उस चीज से आती है जो आपने गलती की है।
ठीक है, तो आपकी गलती जो भी होगी, देखिए शायद उसे कहीं आइडेंटिफाई किया है, अगर नहीं की तो उसे करनी चाहिए थी, आप उससे जाके पूछेंगे तो आपको गाइड करेगा, पाबंद है वो उस चीज़ का। ठीक है जी जी जी, नहीं नहीं ये तो मैंने बताया ना, हेडिंग्स देना जरूरी नहीं है, ना हेडिंग देना जरूरी है ना तरतीब देना जरूरी है, आप हेडिंग से बगैर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप तरतीब ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, एक बार में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो बेहतर है, वरना आप सारी चीजें एक वो खिचड़ी से पक जाएगी, लेकिन बहरहाल आपकी वो टेंशन चेकिंग होगी, वो आपका आपने तो इन्फॉर्मेशन सारी दी, आई क्या में भी इसी तरह होगा, आप चाहे एक पैरा में भी सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखें आप लोग अगर इंटरेस्ट लेंगे ना किसी भी चीज़ में, आप लोगों ने इम्प्रूव करना है, टीचर को भी आप लोग इम्प्रूव करते हैं, टीए को या किसी भी सिस्टम को आप लोगों ने इम्प्रूव करना है, आप जाके उससे कहें सर ये मुझे समझाएं, उसे पता हो गया मैं एक दफा मेरे एक टेस्ट मैंने ऊंच नीच की थी, 20 स्टूडेंट आ गए थे, तो मुझे सबको फर्दन फर्दन जो है ना 10-10 मिनट में समझाना पड़ गया, उससे बेहतर है कि बाद में जो मैंने 200 मिनट लगाने हैं अभी मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के ना इसको इधर ही हाईलाइट कर दो। आप लोग अगर इग्नोर करते जाएंगे ना तो मुझे पता है वो टीए भी मतलब वो भी इंसान ही है, वो भी वो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई आ नहीं रहा ठीक है, उनका एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, यार ऐसा करो मार्क कर रहे हो ना एक दो नंबर ऊपर दे दो, कम नंबर दोगे ना स्टूडेंट आगे लड़ेगा, खुले नंबर दे, स्टूडेंट आगे आर्ग्यू कर रहा हो ना अच्छा दो नंबर एक्स्ट्रा दे दे ठीक है, स्टूडेंट कहता है ठीक है, कहते ये ले। आपने ये काम नहीं करना, आपने कहना सर मेरे दो नंबर और काट ले मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझे बताएं मार्क्स डिडक्ट किस चीज़ के होंगे, आप एफर्ट करेंगे कोई कष्ट उठाएंगे, अगला बंदा भी कष्ट उठा के आपको फिर इम्प्रूव करेगा सर्विस क्वालिटी, आप मुतमिन होते रहेंगे बाकी सारे भी मुतमिन होते, ठीक है स्टूडेंट को मसला नहीं है तो हमें क्या मसला है, ठीक है चलिए, लेकिन आज से शुरू ना कर दीजिएगा, एक दो दिन के बाद ही ना सारा मलबा मेरे पे आ जाए। चलिए जी अच्छा आगे चलते हैं, अच्छा ये डी क्लियर हो गया, ई एक्स ए फादर हैविंग टू माइनर सन्स एग्री टू ट्रांसफर देयर गार्डियनशिप इन फेवर ऑफ मिसिज वाई एंड आल्सो एग्रीड, अच्छा मिसिज वाई एक्स की वाइफ नहीं है, होती तो वो बताता, वो यहां पे मिसिज एक्स लिखता, ठीक है ये अच्छा कह रहा है मिसिज वाई एंड आल्सो एग्रीड नॉट टू रिवोक द ट्रांसफर, और ये भी एग्री किया कि मैंने बच्चे आपके हवाले कर दिए, लिखत पढ़त में गार्डियनशिप आपको दे रहा हूं, अब मैं वापस नहीं लूंगा कभी भी सारी जिंदगी। सब्सिक्वेंटली ही फाइल्ड ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द बॉयज एंड डिक्लेरेशन डैट ही वॉज द राइटफुल गार्डियन, कोर्ट में केस फाइल के कहा मैं राइट गार्डियन हूँ, बच्चे मुझे वापस नहीं लाए जाए, डिस्कस द लीगल पोजिशन, क्या बच्चे वापस जाएंगे, यस जाएंगे, क्यों, एग्रीमेंट स्टेंड हो पेरेंटल राइट इज वाइड, एग्रीमेंट स्टेंड ऑफ पेरेंटल राइट इज वाइड, ठीक है वो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखेंगे, नीचे डिसीजन लिख देंगे, लिखेंगे बिकॉज एक्स इज गार्डियन ट्रू गार्डियन देयरफॉर एग्रीमेंट इज वाइड, क्लियर ये कोई इशू, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3, मिसेज ये मिसेज क्राम वाला हमने किया नहीं हुआ, ये केस स्टडी, ये तो आपके लिए आसान हो गया, हलवा होगी फिर तो आपके लिए छाप दी होगी आप रिप्रोडक्शन, ये केस स्टडी नहीं है, सारी शक्ल तो केस स्टडी वाली है, ये कह रहे हैं रिप्रोडक्शन का, मैं फिर पढ़ लूँ अब, मिसेज ग्राम वाज सर्चिंग फॉर ए हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटीज पोस्ट लोकेलिटी, हर ग्रैंडफादर नदीम हैड प्रॉमिस टू पे हर 1 मिलियन, अच्छा ये सारी वही कहानी है कि मिसेज ग्राम ने कहा घर खरीदना है, उसके दादाजी ने कहा अच्छा मैं 1 मिलियन दूंगा, बाद में जब डील हो गई ब्रोकर के साथ दादाजी ने रिफ्यूज कर दिया, मिसेज ग्राम ने केस फाइल कर दिया के प्रॉमिस, अच्छा रिक्वायरमेंट, अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, वैसे तो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि रिक्वायरमेंट और इन्फॉर्मेशन इंटरलिंक्ड होती है, लेकिन फर्ज कीजिए कभी कभार एक्सेप्शनल केस में अगर रिक्वायरमेंट और इन्फॉर्मेशन में कोई लिंक ना बनता हो, लिंक ना बनता हो तो हमने किसको अहमियत देनी है, रिक्वायरमेंट, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे उसमें सारी कहानी जरा लिखे ना, नीचे लिखा हुआ था लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सारी कहानी, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आगे लिस्ट द एसेंशियल्स, तो हमने क्या करना है, हमने ये नहीं सोचना कि भाई ये उसने कोई कहानी दी है तो उसका मतलब है सोल्यूशन में इसको रिलेट जरूर करना है, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो कि इन्फॉर्मेशन में और रिक्वायरमेंट में कोई लिंक ना बनता हो तो हमारे लिए अहम क्या है, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट एडवाइज अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस मिसेज ग्राम वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम नदीम, ये है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व ये है कि हमें ये नहीं पता मिसेज इकराम का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है जो मिसेज इकराम ने नदीम के साथ किया है, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये नहीं पता, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमें इन्फॉर्मेशन से पता चलेगी, उसके बाद सर्कमस्टेंसेस हम छाप देंगे, और नेचर ऑफ द जब हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो हमें पता चला ये है एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये डिसीजन पे पहुंचने के लिए केस पढ़ना जरूरी था,
अब इसके बाद जो आगे कह रहे हैं सर्कमस्टेंसेस बताइए, वो हमें पता है, कंडीशन आप देनी है। जी जी, इसमें नहीं, इसमें डिसीजन बेसिस ऑफ डिसीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आप इसको केस स्टडी के स्टाइल से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको पहले फिर लीगल प्रोविजन में, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में क्या लिखना पड़ेगा, वो चार कंडीशंस, और डिसीजन में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरर, इसलिए अगर अबव कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये मिसेज क्राम रिकवर करवा सकती है, वरना नहीं करवा सकती। अच्छा, आप जरा थोड़ा सा आप सोचेंगे ना, तो इसको इन्फॉर्मेशन दोनों सूरतों में तकरीबन सेम ही है, चाहे आप इसे रिपोर्ट, उसने चेक करनी थी चार चीजें जो आपने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में दे दी, ठीक है। आगे डिसीजन बेसिस ऑफ डिसीजन चूंकि केस स्टडी नहीं है, जरूरत नहीं, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं। उस सूरत में क्या लिखेंगे, इफ अबव कंडीशन आर मेट देन मिसेज इकराम कैन रिकवर अमाउंट फ्रॉम द रीम, ठीक हो गया। जी जी, गिफ्ट में नहीं आ, गिफ्ट में नहीं आ सकता जी, गिफ्ट का कंप्लीटेड पूरा नाम क्या है, कंप्लीटेड गिफ्ट, और मैंने कंप्लीटेड के ऊपर डिस्कशन की थी, मुझे याद है कि कंप्लीटेड का मतलब पता है ट्रांसफर हो चुका हो, क्या ये पैसे उसने अदा कर दिया। अगर अगर नदीम ने 1 मिलियन अदा कर दिया होता ना तो फिर ये कंप्लीटेड गिफ्ट का केस बन जाता, फिर हाँ बिल्कुल, फिर ये सिचुएशन ना होते। उसने बिल्कुल गिफ्ट कह दी का, वो बाद में की गिफ्ट ही कहेगा, जाहिर है बदले में कोई चीजें नहीं ले रहा तो वो यही कहेगा मैं तोहफतन दिया। लेकिन हमने ये देखना है कि लॉ गिफ्ट की डिस्कशन नहीं करता, सिंपल यू समझ लीजिए, जो सिंपल गिफ्ट है ना, जो अभी अदा नहीं किया वो एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ एंड फैक्शन में आएगा, और जो गिफ्ट अदा कर दिया है वो कंप्लीटेड गिफ्ट में आएगा, ठीक है। इसके ऊपर पूरा कानून है हमारे सिलेबस में, नहीं है वो हिब्बा का कानून, वो ये कहता है कि आपने जो भी चीज़ अगर आपने नॉर्मली होता है बाप बेटे को कोई चीज़ ट्रांसफर करा, आपको पता है विरासत का कानून होता है, अगर बाप की डेथ हो जाए तो उस वो चीज़ सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है जितनी भी ला दो। लेकिन समटाइम बाप ये कह रहा होता है कि अच्छा मैं इस बेटे को ये वाली प्रॉपर्टी दे दूँ, इस बेटी को ये वाली प्रॉपर्टी दे दूँ, तो बाप क्या करता है फिर वो हिब्बा कर देता है। उसमें ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये कि आपने लिखत पढ़त करके उसके नाम पर की और रजिस्ट्री वगैरह सारी, बल्कि उसकी पोजेशन में आ गई वो चीज़ें। अगर आपने ला ने बल्कि यहाँ तक लिखा हुआ है, अगर आपने वो एग्रीमेंट कर भी लिया, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की करवा भी ली, पोजेशन उसको ना ना दी, वो गिफ्ट नहीं हुआ, वो फिर बाप की प्रॉपर्टी समझी जाएगी और उसमें सारी जितनी भी औलाद है सब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो गिफ्ट कंप्लीटेड गिफ्ट में और गिफ्ट में फर्क है, ये में कंप्लीटेड का जो ट्रांसफर हो चुका हो, आपने गिफ्ट के तौर के किसी को कोई चीज़ देनी है, अगर सिर्फ वादा किया वो इनफोर्सेबल नहीं है, डिलीवर हो चुका है तो वो वैलिड है, वैलिड से मुराद आप उसको वापस नहीं ले सकते, ये क्या कहते हैं विदाउट कंसिडरेशन था, ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट क्या ये कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड नहीं है इसीलिए गिफ्ट वाला केस नहीं लगेगा, कंप्लीटेड नहीं है इसीलिए गिफ्ट वाला केस नहीं लगेगा, ठीक है। और कौन सा फिर रहता था बाकी, नेचर लॉ चैरिटी तो हो नहीं सकता, तीन बताए थे ना आप जिनमें नॉर्मल स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, चैरिटी वाला, गिफ्ट वाला और नेचर लॉ मैन्युफैक्चरिंग वाला। चैरिटी में वो नॉर्मली बताता है कोई स्कूल रिफाही दार है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, मस्जिद है, जो भी इस तरह की चीज। जी जी, उनका ये कहना है सर, चले ये जो आपने कहा ये तो समझ आ गया ना, इन एडिशन टू डेट प्रोविजन क्या हम ये लिख सकते हैं कि अगर ये गिफ्ट दूसरे वाला क्या ना गिफ्ट, तो अगर ये ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका होता तो वैलिड होता, लिख सकते हैं। लेकिन ये जो नेचुरल लॉ एंड फैक्शन है ये तो लाजमी लिखना है, ये तो लाजमी लिखना है, जो गिफ्ट वाला है वो आपकी मर्जी है, रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड और मार्किंग स्कीम में इसके मार्क्स भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कंसर्ट के लिए इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। गिफ्ट वाला आस जी, हाँ देखें आप ना गिफ्ट वाले में आप क्या लिखेंगे कि गिफ्ट वैलिड, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, अगर गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे क्या लिखेंगे, ये वैलिड नहीं है, यही लिखेंगे ना, अगर रिटर्न होता, सॉरी अगर ट्रांसफर हो चुका होता तो वैलिड होता ना, लेकिन क्यों उसे रिक्वायरमेंट, हाँ शाबाश क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, अंडर प्रोविजंस ऑफ एडवाइस अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस मिस्टर ग्राम वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट, उसने इनकार ही कर दिया, अब गिफ्ट आप थोड़ी जबरदस्ती ले सकते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल,
क्वेश्चन फोर का पार्ट ए। पर ये काफी डिस्कस ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी हो गई है। साजिश अप्लाइड नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू हिलाल ए माइनर। माइनर को कोई भी चीज आप प्रोवाइड करें, रिकवरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? एक केस में नेसेसरीज ऑफ लाइफ लेकिन उसका भी रूल है प्रॉपर्टी हो प्लस रीजनेबल प्राइस। शाबाश। अच्छा लोग मेरा ख्याल है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके वालिद साहब की प्रॉपर्टी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। माइनर सेपरेट है और फादर सेपरेट है। वो हमने केस स्टडी पढ़ी ना जिसमें फादर माइनर के साथ एग्रीमेंट करता है। हाँ नहीं माइनर एग्रीमेंट किया तुम मुझे पैसे दोगे जो मैं तुम्हारी परवरिश की है, तो उसे हमने इस बेस पे इनवैलिड करार नहीं दिया था कि बाप है बाप बेटे से थोड़ी पैसे लिया करता है। किस बेस पे इनवैलिड करार दिया था कि एग्रीमेंट अगेंस्ट माइनर इज वॉइड। तो यहाँ पे साजिद ने नेसेसरी ऑफ लाइफ सप्लाई किया माइनर को। कैन साजिद बी अलाउड बाय लॉ टू रिकवर द वैल्यू फ्रॉम हिलाल्स प्रॉपर्टी? सिर्फ यस कर देंगे कि आगे कंडीशन बताएंगे। नेसेसरी ऑफ लाइफ तो उसने बता दिया, ये सॉल्यूशन में जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी वाली बात, रीजनेबल प्राइस वाली बात, ये हमें लिखनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट फोर का पार्ट बी। ए एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब माइनर, बोरोज रुपीज 2000 फ्रॉम बी एंड एग्जीक्यूट ए प्रोमिसरी नोट फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ बी। प्रोमिसरी नोट, ये बात हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ गुराजा, ये उसमें डिस्कस करेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें होती है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि मैंने आपको कि पैसे अदा करने हैं, ठीक है, तो मैं आपको कैश की बजाय किसी कागज के ऊपर कुछ लिख दूं जिससे सेटलमेंट हो जाए, जैसे चेक। शाबाश शाबाश, बिल्कुल। तो वो डेट, ठीक है, लेकिन याद रखें ये कैश के बराबर नहीं होता जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। कैश क्यों? क्योंकि अभी आपको कैश मिला नहीं है, अभी आपने जैसे चेक रिसूल किया, जब बैंक के पास जाएंगे प्रेजेंट करेंगे पैसे मिल जाएंगे फिर आपका डेट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही है कि आपने कैश की बजाय कागज पे कुछ लिख के किसी दूसरे बंदे के हवाले कर दिया, ठीक है, जिससे दूसरा बंदा अब बाद में इसकी बेस पे आपसे पैसे वसूल करेगा या आपके अकाउंट से पैसे निकलवाएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तीन एग्जाम्पल है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। यहां पर उसने प्रॉमिसरी नोट, यानी इसका मतलब क्या है कि वो माइनर ने 2000 रुपए लिए और एक कागज पे लिख दिया कि मैं आपको 2 साल के बाद 2000 रुपए अदा करूंगा या प्लस इंटरेस्ट 50 रुपए डाल के 2050 रुपए अदा करूंगा। यह प्रॉमिसरी नोट का मतलब। प्रॉमिसरी नोट मींस प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिसरी नोट मींस प्रॉमिस टू पे। तो माइनर ने प्रॉमिस टू पे किया फॉर द इन फेवर ऑफ बी। इन फेवर ऑफ बी का मतलब क्या है कि ए ने बी को पैसे देने, बी से लेने नहीं है, बी को देने, यानी माइनर ए ने बी को पैसे देने हैं। प्रॉमिसरी नोट में ये लिखा हुआ है, ऑन हिज स्टैंडिंग मेजोरिटी द माइनर, अच्छा ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? एग्रीमेंट अगेंस्ट माइनर इज वॉइड, लेकिन कहानी यहां पे नहीं रोक रहा, आगे ट्विस्ट ला रहा है। कह रहा है ऑन हिज स्टैंडिंग मेजोरिटी द माइनर एग्जीक्यूट्स अनदर प्रॉमिसरी नोट इन लियू ऑफ द फर्स्ट। इन लियू ऑफ द फर्स्ट, इन लियू ऑफ द फर्स्ट का मतलब क्या है? पहले की जगह पे, पहले की जगह उसको रिप्लेस करते हुए, विच इज देन कैंसल्ड। Is the second promissory note valid? अच्छा first उसे पता है void है, क्या second valid है? Second भी void, क्यों void है? हाँ क्यों? Ratification of void consideration is also void. जो act पहले void था। अच्छा कोई student बता सकता है इसको करना क्या चाहिए था? इसको कोई भी agreement, जब तक वो minor है तब तक कोई भी agreement नहीं करना चाहिए था बी को, जब मेजर हो जाता तब उसको एग्रीमेंट करना चाहिए था, वो एग्रीमेंट वैलिड होता क्योंकि पास्ट कंसीडरेशन वैलिड है, लेकिन वाइड एग्रीमेंट की बेस पे कोई दूसरा एग्रीमेंट किया जाए। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन फाइव, कमेंट ऑन लीगैलिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ए, कामिल एंड रजा एग्री डेट कामिल शैल सेल ए हाउस टू रजा फॉर रुपीज 2 मिलियन, बट इफ रजा यूजेज इट एज ए गैम्बलिंग हाउस रजा विल पे रुपीज 4 मिलियन फॉर इट। जी वो कह रहा है कि जी 2 मिलियन में सेल करें, लेकिन अगर गैम्बलिंग के लिए यूज किया तो आप पूरा एग्रीमेंट वॉइड है। अच्छा ये कौन से पार्टली लीगल पार्टली इलीगल वाला, और ये कौन से वाली है एग्रीमेंट, ये अल्टरनेट प्रॉमिस वाला है कि एग्रीमेंट टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल, वो रेलिवेंट लीगल पे में लिख देंगे
डिसीजन में लिख देंगे कि ये एग्रीमेंट 4 मिलियन वाला वाइड है, और फिर आगे लिखेंगे चूंकि ये इलीगल है 4 मिलियन इसलिए ये वाइड है, लेकिन 2 मिलियन वैलिड है। हाँ जी बिल्कुल, वो सेपरेबल है। ए क्लियर? बी, ए एंड बी कैरीड आउट बिजनेस इन अ सर्टेन लोकेलिटी इन कराची। ए प्रॉमिस टू स्टॉप बिजनेस इन दैट लोकेलिटी इफ बी पेज हिम रुपीज 1 लाख। ए स्टॉप इट्स बिजनेस बट बी डिड नॉट पे हिम द प्रॉमिस मनी। एग्रीमेंट एंड ऑफ ट्रेड वर्ड। क्लियर? ये अच्छा, एक आपको छोटी सी टिप बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका लॉ जो है वो जरा रिफाइन हो, तेज हो, छोटी सी टिप, छोटी आज जब कोई केस स्टडी है ना जिसमें लिखा हो वाइड, आपने एक दफा सोचना है इस केस में क्या होता तो ये वैलिड हो जाता, आपने वकील बन जाना, इस केस में क्या होता तो वैलिड बन जाता। हर केस में कोई ना कोई रास्ता नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अक्सर केसेस में आपको रास्ता मिल जाएगा, और इसमें आपके कंसेप्ट जो है ना वो बड़े क्विकली प्रोसेस होंगे। बताइए इस केस में अगर वो बिजनेस को सेल कर रहा होता वुड भी तो फिर वैलिड होता, फिर वैलिड होता बिल्कुल। गैम्बलिंग वाला केस कभी भी, इसमें तो इस एग्रीमेंट में ये चीज तय ही नहीं पानी चाहिए थी, ये कभी भी लीगली इनफोर्सेबल नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है बी वाला, अगर ये सेल ऑफ गुडविल वाला केस होगा। एक असल में आईकैप ने एक दफा क्वेश्चन भी इस तरह का पूछा, सिचुएशन बता दी, नीचे उसने ये नहीं पूछा कि बताओ एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है, बल्कि उसने पूछा बताइए क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होती तो ये ऊपर जो एग्रीमेंट्स है ये वैलिड हो जाते। उसमें भी एक फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट का केस था, उसमें भी एक चैरिटी का केस था, उसमें भी एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, लेकिन उसमें हमने भी रिक्वायरमेंट के एडिशनल चीजें बतानी थी उसको इन्फोर्स करवाने के लिए। ये कमेंट नहीं करना था कि वैलिड है कि वॉइड है, नॉर्मली यही कमेंट करवाता है बताओ वैलिड है कि नहीं, ठीक है। लेकिन जब भी कोई वाइड हो आपने एक दफा रुक के बेहतर, लाजमी नहीं है लेकिन सजेशन है, रुक के सोचे क्या कि क्वेश्चन में क्या इस सिचुएशन में काम होता कि ये एग्रीमेंट वैलिड हो जाता। सिक्स, ए माइनर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटेड टू मनी लेंडर दैट ही वाज ऑफ फुल एज, यानी वो मेजर है, एंड ऑब्टेन्ड ए लोन ऑफ ₹10,000। हैज द मनी लेंडर एनी राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द माइनर फॉर द मनी लेंड आर फॉर डैमेज फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन? क्यों? रूल ऑफ एस्टॉपल। अच्छा, ये एस्टॉपल वाला रूल पढ़ा हुआ हमने, मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ ना, शाबाश। ये हमारे एक एजेंसी वाले चैप्टर में भी आएगा, चैप्टर 8 है शायद, और फिर एक पार्टनरशिप वाले चैप्टर में भी आएगा, पार्टनरशिप के 3 चैप्टर है हमारे सिलेबस में, उसमें भी एस्टॉपल वाला रूल आएगा। ये क्लियर? अच्छा मुझे बताइए अब इसका मतलब क्या कि मनी लेंडर के पैसे सारे गए, डूब गए? हाँ, अगर एक अगर तो इन्हें खर्च लिए ना, फिर तो कुछ रिकवर नहीं करवा सकता चाहे उसकी प्रॉपर्टी क्यों ना हो। हाँ, अगर बच गए उसके पास जेब में पैसे बचे हुए वो रिकवर करवा लेगा। या एक केस में उसने कहा कि ए ने इन पैसों से कुछ चीजें खरीद ली, साइकिल खरीद ली, वो साइकिल ले क्योंकि इसके पैसों की है, लेकिन जो उसकी पुरानी गाड़ी है वो नहीं ले सकता। क्लियर होगी ये बात? चलिए, ये था हमारा टेस्ट। अच्छा, टेस्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारी असाइनमेंट है, कौन सी असाइनमेंट थी वाला? लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा था? 5 क्वेश्चन 11 क्या 10 क्वेश्चन 10 निकाल लें, शाबाश शाबाश। जिन स्टूडेंट्स को सामने नजर आ रहा है वो सामने देखे, जिन स्टूडेंट्स को सामने क्लियर पिक्चर नहीं में नजर आ रहे। लाइटिंग ठीक है जी, स्टार्ट करें डिस्कशन। पहला क्वेश्चन, अच्छा रिक्वायरमेंट है, सारे क्वेश्चन बेसिकली रिक्वायरमेंट सेम रहेगी सबकी। ब्रीफली डिस्कस वेदर इन फॉलोइंग केसेस प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्मड, इफ नॉट व्हाट इज प्रॉमिसर्स लायबिलिटी। आपको पता है कंसेप्ट कौन सा था? मैं तो कंसेप्ट भी भूल गया, प्रॉमिसर वाला नहीं, टाइम एंड प्लेस वाला। क्या रूल था इसका? कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए, पहला रूल स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या है? ये केस टू केस वेरी करेगा, लेकिन ये वर्किंग डे और बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। किस दिन होगा? 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, ये केस टू केस वेरी करेगा, रीजनेबल। लेकिन जिस दिन भी हो, वर्किंग डे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ये तो हो गया टाइम का रूल। प्लेस का रूल क्या था?
किस जो अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्लेस स्पेसिफाई कर दी गई है उस पर हम अगर प्लेस स्पेसिफाई नहीं की तो प्रोमिसर ने प्रोमिसी को अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब क्या, पूछना है उससे, और प्रोमिसी जो मर्जी प्लेस बता दे कि कॉन्ट्रैक्ट में तय, कॉन्ट्रैक्ट में प्लेस तय नहीं हुआ तो मैं जो मर्जी प्लेस बता दूं, ये जर्मनी लेके आ जाओ नहीं, उसकी समझिए रीजनेबल प्लेस बताए, और रीजनेबल प्लेस की भी आगे एग्जांपल देता है, वो कोई उसके शॉप हो सकती है, वेयर हाउस हो सकती है, वो कोई पब्लिक प्लेस ना हो जी। अच्छा अब क्विकली रिवीजन हो गया, बाकी चलते। अच्छा फिर अब आपने बताना है कि क्या ये प्रोमिसर ने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया कि नहीं। आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बाबर्स वेयर हाउस ऑन 1st मार्च बिफोर 1 PM। आजम डिलीवर गुड्स बिफोर टाइम, उसने एक ही बजाय 12 बजे 11 बजे 10 बजे सुबह आ गया या एक आधा दिन पहले आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा ये भी याद रखे, नेचर ऑफ द केस पे डिपेंड करता है असल में। यहाँ पे चूंकि वो जनरल डिलीवर गुड्स की सेल परचेज की नॉर्मली इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बर्थडे, शाबाश बर्थडे की बात होती है और वो एक दो दिन पहले आ जाता, एफिशिएंट हो गए तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर भी हर काम जल्दी करना मुनासिब तो नहीं है ना, वो तो नेचर पे डिपेंड करता है। हाँ मुझे याद आ गया, जब आर्टिकल चल रहे, आप में से जिन स्टोर से कंप्यूटर इस्तेमाल किया है ना उनको अंदाजा होगा कि उसमें जब हम काम करें ना वर्ड वगैरह पे, एक्सेल पे, तो रिस्क होता है लाइट चली गई ना तो जितना भी काम किया हुआ है वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक, हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, आदत होती है हमारी फर्म में, उसको हर एक एक दो दो मिनट के बाद ना सेव करते रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फॉर्म में हम कमांड यूज करते हैं कंट्रोल एस, सेव सेव सेव, हर काम को करने के बाद आदत पड़ गई होती है हमें कंट्रोल एस। तो एक बड़ा अहम काम हो रहा था फॉर्म में, ऑफिस में बैठ में भी बैठा था, जूनियर भी थे, तो एकदम लाइट चली गई तो सीनियर जो ना डर गया, उसने जूनियर से पूछा जो काम करा, काम जो क्रिटिकल का था, नेचर का था, उनका भाई सेव कर लिया था ना काम। जूनियर ने बड़े रिलैक्स होकर, सर आप बेफिक्र रहे, मैंने तो आधा घंटा पहले ही सेव कर लिया था। सीनियर के पैर तले जमीन निकल। आप मुझे बताइए आधा घंटा पहले इस सिचुएशन में क्या ये एफिशिएंसी है? तो ये हमेशा काम या कॉन्ट्रैक्ट पहले परफॉर्म, नॉर्मली अच्छी बात है पहले कर लेना काम नॉर्मली, लेकिन बाहर आप ये केस टू केस वेरी करता है। मैंने आपको ऐसा, आगे चलते हैं। बी, बाबर ओव्स आजम रुपीज वन। अच्छा मैं हमेशा भूल जाता हूँ जब ये ओव्स का वर्ड यूज करता है ना, तो बाबर ने आजम को पैसे देने हैं कि आजम ने बाबर ने? हाँ, बाबर ओव्स का मतलब है बाबर मकरूज है आजम का, यानी बाबर ने पैसे देने हैं आजम को 100। इट वॉज एग्री डेट बाबर विल सेंड ए चेक फॉर रुपीज 100 बाय पोस्ट। ये एग्री तो ठीक है, चेक सर, हाँ एग्री, हाँ बिल्कुल, लेकिन जब वो चेक सेंड कर देगा वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर वो चेक के बजाय हम कैश भेज दे, अगर एक्सेप्ट कर ले तो वो तो वैलिड, वो तो जो भी कर लेगा वैलिड है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या ये वैलिड पेमेंट होगी? सी, आजम एंड बाबर आर इंडेटेड। इसका क्या मतलब हुआ? ए ने बी के पैसे देने हैं, बी ने सी के पैसे देने हैं। आजम एंड बाबर सेटल एन अकाउंट बाय सेटिंग ऑफ वन आइटम अगेंस्ट अनदर। उन्होंने अपना अकाउंट एक दूसरे के साथ सेट कर लिया, सेटल कर लिया। इसे काउंटिंग में क्या कहते हैं भला? कॉन्ट्रा बैड डेट नहीं कहते, कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब एक ही बंदे से रिसीवेबल भी हो पेबल भी हो, तो क्या करते हैं, क्रेडिटर को डेबिट कर देते हैं, डेटर्स को क्रेडिट। सही काउंटिंग मेरी, हाँ ये सर उन्होंने इस तरह कर लिया। तो क्या इसकी इजाजत है? बिल्कुल है, कर सकते हैं, है इजाजत, अभी तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। अगेंस्ट एंड बाबर पेज आजम द बैलेंस, और जो बैलेंस था वो पे कर दिया, एट द बैलेंस फाउंड टू बी ड्यू फ्रॉम हिम अपॉन सच सेटलमेंट, पे कर। तो क्या जिम्मेदारी खत्म हो गई? मैंने इनको 10,000 देने थे, 7,000 लेने थे, मैंने इनको सेटलमेंट करके 3,000 दे दिए, अब ये बाद में मेरे से 7,000 मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, वो तो सेटलमेंट हो गई थी। ठीक है, हाँ जी, हाँ इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग अमाउंट बाबर ने ज्यादा पैसे देने थे, बाबर ने ज्यादा पैसे, बाबर पेज रिमेनिंग अमाउंट का मतलब बाबर ने 10,000 देना था आजम को, आजम ने 7,000 देना था बाबर को, तो साथ उन्होंने सेटलमेंट कर ली, बाकी 3,000 जो ऊपर का है वो बाबर ने जो आजम को दे दिया। क्लियर, ये सिंपल है, इसमें कोई ये कॉमन सेंस की बात है। डी, आजम ओव्स बाबर पेज 2,000। आजम ने बाबर को पैसे देने, बाबर एक्सेप्ट सम ऑफ आजम गुड्स इन द रिडक्शन ऑफ द डेट। वो कहते चल पैसे नहीं, अपने घर की चीजें दे दो कुछ, वेलिड जितना, हाँ टीवी जितना दे दिया, बिल्कुल टीवी ढवा लिया, जितने का टीवी था उतने से डेट कम हो जाएगा।
ई आजम डिजायर बाबर हु ओव्स हिम रुपीज 100 टू सेंड हिम ए चेक ऑफ रुपीज 100 बाय पोस्ट, ये तो पहले वाला ही है, तो ठीक है जब वो चेक पोस्ट करेगा लाइबिलिटी खत्म। एफ आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बाबर्स वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी, आजम ब्रिंग्स द गुड्स टू बाबर्स वेयर हाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, ये नॉट वैलिड, वैलिड परफॉर्मेंस वैलिड एंड। अब बताइए क्या कोई जिम्मेदारी है आजम की? बिल्कुल, वो डिलीवर करेगा उसको, उसको स्टिल लायबल है उसको डिलीवर करने के लिए। और इवन अगर लेट डिलीवरी की वजह से बाबर का कोई नुकसान हुआ वो आजम से क्लेम कर सकता है? आजम लेट आया ना, आजम की गलती है, तो मैं भी बाबर को बहन कह रहा हूँ, मैं भी बाबर को कह रहा हूँ, बाबर डैमेज क्लेम करेगा। आगे चलते, आगे चलते जी। आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर 1000 केजी ऑफ जूट टू बाबर ऑन फर्स्ट, जो भी है, ऑन फर्स्ट मई। अच्छा, आजम ने डिलीवरी करनी थी बाबर, ठीक है, बाबर एग्रीज टू स्पेसिफाई द प्लेस ऑफ, बाबर ने कहा कि मैं बाद में प्लेस बताऊंगा। अब क्या करना चाहिए आजम को? अप्लाई करना चाहिए, बाबर से पूछना चाहिए, बाबर भाई बताओ किस प्लेस पे, और ठीक है नहीं, आजम डायरेक्ट खुद से अज्यूम करके उसकी शॉप पे डिलीवरी कर दे, अप्लाई करना लाजमी। और ये तो जिम्मेदारी लाने लगाई आजम की कि वो बाबर से पूछ, और बाबर की भी जिम्मेदारी लगाई है, वो क्या उसको उसको रीजनेबल प्लेस बताएगा, ये नहीं कि उसे कहेगा दिल्ली पहुंचा दो चीजें, नहीं 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 नहीं, उसी शहर के अंदर रीजनेबल प्लेस। जी क्लियर। एच आजम एग्रीड टू डिलीवर राइस टू बाबर ऑन 1 जून बट नो प्लेस वॉज फिक्स फॉर डिलीवरी, आजम अप्लाई करेगा, आजम अप्लाई करेगा और बाबर बताएगा रीजनेबल, ये तो वही जी और एच एक ही नहीं होगी, चलो कोई नहीं, रिवीन होगी हमारी। अच्छा, हामिद ऑर्डर्ड ए लार्ज फ्लैग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बट डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइम फॉर परफॉर्मेंस, इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड व्हेन शुड फ्लैग बी डिलीवर्ड, 15 अगस्त वाला कौन है? वैसे उसने बताया नहीं हुआ कौन सा होता है, तो 15 वाला भी ठीक कर लेता, लेकिन ये 14 अगस्त से पहले पहले इसकी डिलीवरी होनी चाहिए। बिल्कुल है। अदील ऑर्डर डेकोरेशन टू बी इंस्टॉल्ड ऑन 17 अगस्त ऑन ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स बर्थडे, हाउएवर ही डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइम ऑफ डेकोरेशन, व्हेन शुड बी द परफॉर्मेंस मेड, 17th को किस टाइम पे? बिफोर द बर्थडे। अच्छा, वैसे कमर्शियल एग्रीमेंट होता ना तो मैं फौरन ये लिखता यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस, लेकिन ये कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं है, तो वैसे आप इसमें भी लिख सकते हैं यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि जिस बंदे ने डेकोरेट करना है वो जाहिर है अपने बिजनेस के लिहाज से उसी आवर्स में काम करेगा, तो यूजुअल आवर्स टाइम के बारे में रूल क्या, देखें प्लेस के बारे में पूछना है, टाइम के बारे में पूछना लाजमी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस होगा, लेकिन यूजुअल आवर्स में भी कौन सा टाइम, इसके लिए या तो सिर्फ यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस कह के बात खत्म कर दें, या आगे लिख दें कि फर्दर कि किस टाइम पे बर्थडे हो रही है, 9 बजे 12 बजे, वो फोन करके पूछ सकता है, फोन कर, लेकिन याद रखिए प्लेस के केस में प्रोमिसर का अप्लाई करना लाजमी है, टाइम के केस में नहीं लाजमी। क्लियर। आगे चलते कि अदील, अच्छा सॉल्यूशन में उसने ना कुछ इस तरह की बात आई क्या मैं लिखी हुई है कि वो उसे फोन करके पूछेगा, वो ऑप्शनल है, असल में रिक्वायर्ड ये है कि टाइम मेंशन नहीं है ना, अगर आज मेंशन नहीं है फॉर एग्जाम्पल डे मेंशन है तो बर्थडे पे ही वो पूछ लेगा उससे, परफॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्ट बर्थडे के ऊपर ही उसी दिन जिस दिन बर्थडे है, टाइम यूजुअल आवर ऑफ द बिजनेस होगा, टाइम के बारे में पूछने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर पूछना चाहे पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकली जाहिर है वो पूछ लेते हैं उसे कि सर किस टाइम पे हो, के अदील अंडरटेक्स टू डिलीवर 100,000 केजी ऑफ राइस टू बिलाल ऑन अ फिक्स्ड डे, डे फिक्स हो गया डिसाइड हो गया, हाउएवर ही डिड नॉट स्पेसिफाई द प्लेस ऑफ डिलीवरी, वेयर शुड राइस बी डिलीवर्ड, रीजनेबल प्लेस के आस्क, प्रोमिसर को आस्क करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, प्रोमिसी की जिम्मेदारी है कि रीजनेबल प्लेस बताएगा उसको और उस प्लेस पर डिलीवर हो जाएगा, अगर कॉल नहीं उठाए तो
तो वो फिर खुद से जज करके कर। अभी तक ऐसी कोई केस स्टडी मेरी नजर से नहीं गुजरी जिसमें उसने ये पॉइंट रेज किया हो कि प्रोमिसर ने अप्लाई किया, पूछा, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन मेरी जजमेंट ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, आउट ऑफ रीच है, तो फिर वो खुद से डिसाइड करके जेबर प्लेस। चलिए, अच्छा, हमारे टेस्ट वन की भी डिस्कशन कंप्लीट हो गई, हमारी असाइनमेंट की डिस्कशन भी कंप्लीट हो गई। चलिए, इसके साथ हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह फ्रेश कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।